अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है दोस्तों। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन्फिनिक्स होट 8 2020 में ख़रीदना चाहिए कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्योंकि ये 2019 सितंबर में लॉन्च हुआ था और आज की इस डेट में इसकी मार्केट प्राइस है 16,999 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 18,999 में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मिल सकता है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये गेमिंग फ़ोन है या कैमरा फ़ोन है या ओवरऑल आपको बजट स्मार्टफोन आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये आपको मिल रहा है ग्लास बॉडी में। ये ग्लास बॉडी एक्चुअल नहीं है लेकिन ये लुक ग्लास बॉडी की प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ आपको डुअल सिम मिलता है, 6.2 इंच का बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो आपको लेटेस्ट वर्जन मिलता है इसमें iOS का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है ये आपको दो वेरिएंट में आता है जिसमें एक है 2GB 32GB और एक है 4GB और 64GB की स्टोरेज में। अब मेरी बात ये गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें लोगों की बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये आपको सैमसंग और वावे जैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा चिपसेट मीडियम MT6762 हीलियो जी। बिल्कुल इसमें 4GB रैम तो है लेकिन ये आपको सैमसंग और हुआवे की 4GB के लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा क्योंकि इसमें इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं किया हुआ और रैम के वर्जन्स भी कम। अगर यही चिपसेट 4GB रैम और स्नैपड्रैगन कुछ लगा होता या एक्सिनोस लगा होता तो इससे फार बेटर परफॉर्मेंस मिलती, लेकिन आपको इस बजट में इस प्राइस रेंज में ये चीज़ मिल रही है तो बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसमें गेमिंग की। अगर आपको पबजी वगैरह ये खेलने का शौक है, अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं गेमिंग के लिए, तो आप इसमें लो ग्राफिक्स पर लो फ्रेम रेट्स पर आराम से पबजी को रन कर सकते हैं। बिल्कुल माइनर से लैग देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसकी एक और प्लस साइड ये भी है क्योंकि ये 5000 मिलियन पावर बैटरी के साथ आता है तो ये आपकी गेमिंग ओवरऑल पूरे डे यूजेज के लिए बहुत अच्छा है। इसके अगर कैमरा कंपार्टमेंट की बात करें तो आपको रियर में 3 ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं जिसमें आपको मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का और बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए बुके इफेक्ट के लिए कैमरा यूज़ होगा और इसमें आप 1080 वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा क्योंकि इसके कैमरा पिक्सल इतने हाई नहीं है लेकिन ये आपको फिर भी फार बेटर देन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो आपके कलर करेक्शन में ज़्यादातर मदद कर देती है। पाकिस्तान में इस मोबाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर दूसरा बंदा इन्फिनिक्स होट 8 और होट लाइट को ख़रीदना चाह रहा है क्योंकि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो आपको ज़्यादा गेमिंग भी नहीं करनी, थोड़ी बहुत सेल्फी भी लेनी है, ओवरऑल आप मोबाइल से हर एक फंक्शन का हर काम लेना चाहते हैं, ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये सैमसंग की जितनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि उनके वर्जन रैम और उनके स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन स्टिल आपको इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। मैंने आपको ज़्यादातर फोकस इसमें रखा है कि आपको रैम और रोम में देखना है कि आपको 4GB रैम मिल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको इतनी भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली 4GB के एक्सपेक्ट रेशो। तो उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये फ़ोन करना है बाय या नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं और किस मोबाइल का रिव्यू या और किस मोबाइल को कंपेरिजन कर सकूँ। मुझे किसी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।